आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और अभी हम आप सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग नवादा के जो है स्पॉट एडमिशन की जितने भी बच्चे के सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है वो पीडीएफ आपको हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है रजनीकांत जी को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं भी, क्योंकि इनका सिलेक्शन हो चुका है और इन्होंने ही जो है पीडीएफ भेजा है, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ स्पॉट एडमिशन कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है बताया गया है। और यहाँ पर देखिएगा तो जो सिलेक्शन हुआ है वहां पर पहला यहाँ पर नाम क्या है, रजनीकांत का हुआ है, फिर यहाँ पर है गुलशन कुमार का हुआ है, फिर ये जो है नंदन कुमार का हुआ है। ये देख सकते हैं इनका ओवरऑल रैंक भी यहाँ पर शो कर रहा है, साथ ही साथ जो है मार्क्स भी ऑप्टेन 76 76 76 नंबर वाले का हो गया है। फिर ये जो है आपका ये किस यूआर कैटेगरी का है। और फिर यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो ये देखिए एससी कैटेगरी में दो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, गौतम कुमार का और दीपशिखा का। इनका नंबर कितना था, 67 और 67 था, दशमलव में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर ईबीसी में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, एमडी आतफ आलम, जिनका नंबर था 74। देख सकते हैं यह जो है आपका किस कैटेगरी का है, तो यह शायद आपका जो है साइंस वाले के लिए है। अब नीचे हम बात करेंगे आर्ट्स वाले बच्चों का कि आर्ट्स में जो है कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो ये देख सकते हैं कि आर्ट्स में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में पहला 2-3 बच्चों का हुआ है, यहाँ पर है स्नेहा परवीन, फिर है फातिमा कुमारी और दीप्ति कुमारी, शायद यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि विजय कुमार यहाँ पर नेम है। यहाँ पर उनका ओवरऑल रैंक दिख रहा है, शायद वो स्क्रीन सही नहीं है दिख रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो दो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मीना कुमारी का और अनुप्रिय राज का। यहाँ देख सकते हैं मीना कुमारी और अनुप्रिय राज का। बीसी कैटेगरी में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, एक बच्चे का मुन्ना कुमार का सिलेक्शन हुआ है, जिनका नंबर 51 है बीसी में। आगे हम बात करते हैं ईबीसी में तो 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, देख सकते हैं। तो ईबीसी में जो है मनीषा कुमारी, अर्चना कुमारी, मोना मोनू कुमार और रोशन राज का सिलेक्शन हुआ है। याद रखिएगा, नाम सुन लीजिएगा, मनीषा कुमारी, अर्चना कुमारी, मोनू कुमार और रोशन कुमार। यहाँ पर उनका पिता का नाम, आर्ट्स और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिख रहा होगा, समझ गए, और यहाँ पर उनके नंबर दिख रहे हैं। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 3 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें एमडी कैफ और तहरा परवीन और कुमारी अर्पिता का सिलेक्शन हुआ है, कुमारी अर्पिता का। तो ये टोटल जो है यहाँ पर ये आर्ट्स वाले बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट है और ऊपर जो है ये आपका साइंस वाले सिलेक्शन लिस्ट है। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा तो आप लोग देख लीजिए, डायरेक्ट नवादा के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है साइंस और आर्ट्स में। धन्यवाद।